शायद जानवरों की है, मुझे लग रहा है जैसे कुत्ते रो रहे हो या भेड़िए रो रहे हो। यहाँ पर भेड़िए हैं। कोई और है मेरे आसपास जो मुझे एहसास करवाना चाहता हो अपना? क्या कोई है? कौन है? हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं आपका भाई जस्सी और आपके अपने चैनल जस्सी संधू ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मच्छर बहुत है यार, प्लीज़ इग्नोर करना, बहुत परेशान कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। एक लोकेशन पे विजिट करने आया हूं, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं। सामने कुछ मेरे को पेड़ बताए गए हैं जिनसे खून निकलता है, खून टपकता है, मतलब आप खूनी पेड़ कह सकते हो। तो आज वहाँ पर अपने इन्वेस्टिगेशन करेंगे कुछ टाइम के लिए। वैसे मैं विज़िट करने आया हूँ, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं थोड़े टाइम इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर करूँगा। पर मच्छरों ने जान ले रखी है, कैमरा शुरू करने से पहले मेरे कान में दो घुस गए हैं और पानी मार मार के निकाले हैं। तो कैमरा मेरे हाथ में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो शक्ल आ रही होगी ठीक आ रही होगी आपके सामने। तो जल्दी मैं मोर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाला हाथ दर्द कर रहा है, कैमरा काफ़ी भारा है, ठीक है, और मोबाइल नहीं है, आज DSLR से शूट कर रहा हूँ। पीछे लोकेशन पे चलते हैं, आपको सारी डिटेल बताता हूँ और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों सामने लोकेशन है, अकेला जा रहा हूँ मैं। ये आपके सामने साइड का व्यू है और मच्छरों ने इतना परेशान कर रखा है दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत बुरा हाल है। थोड़ी लंबी लोकेशन है, चल के जाना पड़ेगा। तो आपकी दुआओं से और प्यार से चल के जा रहे हैं। आवाज़ें आ रही हैं काफ़ी दूर से, मुझे नहीं पता दोस्तों किस चीज़ की है। बाकी ये लोकेशन ये आपके सामने यहाँ से शुरू हो जाती है। थोड़ी मैं लाइटिंग और तेज़ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको जो व्यू है अच्छे से नज़र आए। और मच्छर पूरे कपड़ों में, टी शर्ट में, कान में तो घुस ही गया था, पहले घुस चुके हैं। जितनी देर भी इन्वेस्टिगेशन होगी आपके लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, उसके बाद शेयर कर देना, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आधी रात को। यहाँ पर दरख्त हैं छोटे छोटे और मकड़ी के जाले, और मच्छर तो आपके सामने है ही। ये आपको आवाज़ सुनाई दी, कोई आवाज़ आई है दोस्तों? अभी ये आपको आवाज़ सुनाई दी, कोई आवाज़ आई है दोस्तों? अभी मुझे नहीं पता किस चीज़ की है। ये आपके सामने खाली लोकेशन है जो आपको दूर दूर तक दिखाई दे रही है। मच्छर बहुत है दोस्तों, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा। कोई आवाज आई है? और ये आप फसलें देख रहे हो सामने जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो जिन पेड़ों का जिक्र किया गया है दोस्तों वो सामने है वहाँ पर। तो चलते हैं वहाँ पर। मौसम इतना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है।
आपको बयान नहीं कर पा रहा मैं कि इस टाइम मौसम कितना गर्म है। कोई आवाज आई है दोस्तों यहाँ से, यहाँ से आ रही है, कोई सांप वगैरह ना हो यार। चलिए करते हैं, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं ना कीड़े मकोड़े से वो हैं। बाकी सारा व्यू आपके सामने है, आपके लिए सिर्फ शूट कर रहे हैं रात को। और मकड़ी के जाले यहाँ पर इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, जहाँ से कहते हैं खून निकलता है। अब ये तो छोटे हैं, शायद एक आगे हो रहा है बड़ा, मेरे को दिख रहा है, तो चेक करेंगे आगे जाकर। मक्की पेड़ है आपके सामने भी वैस का, और मुझे लग रहा है जो मेन पेड़ हमें बताया गया है वो शायद ये है, आपके सामने है जो दिख रहा है। ओ आ जाइए कोई यहाँ से, मुझे लग रहा है दोस्तों जो मेन बताया गया ना ये वाला पेड़ है, क्योंकि इतने छोटे नहीं हो सकते जो पीछे हैं। रात के टाइम यहाँ से कोई नहीं निकलता, और खून आप कह सकते हैं पेड़ से नीचे टपकता है, ये लग रहा है मेरे को तो। ओए दोस्तों आवाज आई है, ओए दोस्तों आवाज आई है। बाकी मैं यहाँ पर कितना टाइम गुजार सकता हूँ या कितना नहीं, इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सारी जो लोकेशन है वो आपके सामने है। देखिए ये शायद चमगादड़ गई अभी यहाँ से, ये पेड़ का व्यू है। क्या कोई है यहाँ पर मेरे अलावा? ये देखिए, ओए फिर आवाज़ आई है। देखिए कौन है यहाँ पर, मैं जान सकता हूँ? एक ये भी यहाँ पर छोटा पेड़ है, अगर कोई है तो सामने आए। मुझे बताया गया है कि इस पेड़ से खून निकलता है, खून टपकता है। कोई आवाज़ आई है दोस्तों, बाकी मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा, मैं तो अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ जितना भी कर सकता हूँ। ये आगे भी पेड़ है दोस्तों, सिर्फ विजिट करने आया हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर एपिसोड आने वाले टाइम में यहाँ पर ज़रूर बनाएंगे। ये पेड़ों का व्यू है ऊपर, देखिए फिर एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों, आवाज़ें आ रही हैं। मुझे नहीं पता किस साइड से आ रही हैं, पर यहाँ पर खट खट टप टप की आवाज़ आ रही है, और मैं अकेला मौजूद हूँ सिर्फ आपके लिए, आपकी दुआओं से और प्यार से। कोई है यहाँ पर जो मेरे सामने आ सकता हो? दोस्तों एक्टिविटीज महसूस हो रही हैं। ओए आवाज़ सुनी आपने? दोस्तों एक्टिविटीज महसूस हो रही हैं।
आवाज़ सुनी आपने दोस्तों? आवाज़ तो रिकॉर्ड हुई है, बाकी एक बार व्यू चेक कर लो आप। और काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, और पीछे भी थे दो तीन, मेरे ख्याल दो थे शायद, छोटे थे वो। तो मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं यहाँ पर नहीं आया था, उन्होंने कहा कि इस रास्ते पे पेड़ है, मैं उन्हीं को सोच रहा था पहले, पर पेड़ ये हैं। बाकी एक बार जो मेन पेड़ है ना, जो बड़ा है, उसका व्यू दिखा देता हूँ आपको। मुझे तो इसके किसी तरफ से कोई खून नहीं लग रहा, देखिए ये क्या है, कोई भी खून वगैरह ऐसा कुछ दिखा नहीं। ओए कौन है दोस्तों? यहाँ पर अभी कुछ हुआ है, ऊपर से कुछ गिरा है, कोई भी खून वगैरह ऐसा कुछ दिखा नहीं। ओए कौन है दोस्तों? यहाँ पर अभी कुछ हुआ है, ऊपर से कुछ गिरा है। देखिए मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया, मैं सिर्फ यहाँ पर चेक करने आया था कि कोई है या नहीं है। दोस्तों अभी अकेला मौजूद हूँ, आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ मैं। तो मेनली इसको चेक करूँगा मैं, आने वाले टाइम में इस लोकेशन को ज़रूर चेक करेंगे। अभी मेरे फ़ोन वगैरह भी होना, शायद आपको भी आवाज़ सुनाई दी हो, मैं सिर्फ देखने आया था। देखिए आपकी जगह आप रहें, मैं आने वाले टाइम में आपसे बात करने जरूर आऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ फील हो रहा है दोस्तों, रोंगटे खड़े हो रखे हैं पूरे। तो एक बार यहाँ से निकलता हूँ मैं, आपको व्यू दिखाता हुआ। बाकी हमारा मकसद दोस्तों ये नहीं होता कि आपको डराना, हमारा मकसद होता है साइन रिकॉर्ड करना, क्या रिकॉर्ड हो रहे हैं क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। जैसे ये भी पेड़ है जिसको मैं पहले आपको बता रहा था, एक ये है वो आ गया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था यहाँ पर बड़े पेड़ हैं छोटे हैं। भाई ने कहा था कि बड़ा है, और एक नहीं है, काफ़ी है। तो ये आपके सामने लोकेशन है जो मैंने दिखाई है। तो एक बार यहाँ से आगे चलते हैं, और जो मेन मकसद था मेरा आपको लोकेशन दिखाने का, वो मैंने दिखा दी है। तो एक बार लोकेशन से बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी हॉन्टेड लोकेशन है, और भाई ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया था देखने के लिए कि प्लीज़ जस्सी भाई आप देख कर जाओ कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्या कोई है मेरे आसपास जो मेरे सामने आना चाहता हो, मुझे अपना एहसास करवाना चाहता हो। ओए दोस्तों एक आवाज़ आई है, ओए दोस्तों एक आवाज़ आई है, शायद जानवरों की है, मुझे लग रहा है जैसे कुत्ते रो रहे हों या भेड़िए रो रहे हों, यहाँ पर भेड़िए हैं। कोई और है मेरे आसपास जो मुझे एहसास करवाना चाहता हो अपना? क्या कोई है? कौन है? शायद जानवरों की है, मुझे लग रहा है जैसे कुत्ते रो रहे हों या भेड़िए रो रहे हों, यहाँ पर भेड़िए हैं। कोई और है मेरे आसपास जो मुझे एहसास करवाना चाहता हो अपना? क्या कोई है? कौन है? आवाज आई है बड़ी खतरनाक। देखिए आप मेरे सामने आए, अगर आप यहां पर हैं, दोस्तों मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, ये रास्ता इतना खतरनाक है कि मुझे नहीं लगता रात को यहां पर कोई आता होगा, इसीलिए भाई ने मुझे यहां पर बुलाया है। ये देखिए, तो एक बार ना मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ यार, ठीक है? और बाकी बात आपसे कैमरे के सामने, दोस्तों फिर आवाज़ आई है।
तो एक बार ना मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ यार, ठीक है। और बाकी बात आपसे कैमरे के सामने दोस्तों फिर आवाज आई है, ओह माय गॉड यार। दोस्तों एक बार यहाँ से निकलता हूँ, बाकी बात आपसे आगे जाके करता हूँ यार, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना सेफ नहीं लग रहा। ये देखिए फिर आवाज़ आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना सेफ नहीं लग रहा। ये देखिए फिर आवाज़ आ रही है, तो कैमरे के सामने आके आपसे बात करता हूँ। एक बार फटाफट यहाँ से निकलते हैं, बाकी मैं यहाँ पर विजिट करने आऊँगा, पूरा एपिसोड बनाऊँगा। बाकी आप बताएँ, बनाएँ या ना बनाएँ, जैसे आप कहेंगे वैसा होगा। तो चलिए एक बार चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये थी आपके सामने लोकेशन, आने वाले टाइम में विजिट करेंगे। एक बार मच्छरों ने बहुत परेशान कर रखा है यार, प्लीज़। मैं कैमरा कट ऑफ कर रहा हूँ, लाइट बंद कर रहा हूँ, तो आप बताना इसको विजिट करें ना करें। वैसे विजिट करने वाली लोकेशन है, क्योंकि काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर हुई हैं, तो मच्छर कपड़ों में घुस गए हैं। और एक बार यहाँ से निकलता हूँ, दुआ में याद रखें, बहुत सारा आपको प्यार। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिस भाई ने नहीं किया है, और ऐसे सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। मुझे नहीं पता मेरी फ़ोटो कैसे आ रही है मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, और LCD है जो वो पीछे वाली साइड है, क्योंकि इसकी रोटेटिंग LCD नहीं है। तो प्लीज़ यार, लव यू ऑल, थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, ऐसी सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद।